राजधानी जयपुर के चाकसू में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों को चाकसू के सैटेलाइट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। ये सभी परीक्षार्थी 12 से सीकर रीट की परीक्षा देने जा रहे थे। यह घटना NH-12 के निमड़िया मोड़ की है। बता दें कि वेन में 11 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार चाकसू के NH-12 पर निमोड़िया कट के पास यह सड़क हादसा हुआ। एक इको वेन बेकाबू होकर ट्रेलर में जा घुसी। हादसे में वेन सवार चालक सहित 6 परीक्षार्थियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी 5 परीक्षार्थियों का महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार जारी है। एक परीक्षार्थी की हालत गंभीर बनी हुई है। चाकसू थानाधिकारी हीरालाल सैनी ने बताया कि वाहन चालक और एक परीक्षार्थी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिनका शव चाकसू मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं 4 परीक्षार्थियों की महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में मौत हो गई। इन 4 के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दी। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच भी शुरू की। सभी परीक्षार्थी 12 जिले के आसपास के बताए जा रहे हैं। ये सभी 12 से सीकर रीट परीक्षा देने के लिए रवाना हुए थे। वहीं चाकसू के पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को थाने ले गई और घटना की जांच शुरू कर दी। विष्णु नागर पुत्र हरिवल्लभ नागर निवासी 12, तेजाराम उर्फ राजेंद्र मेघवाल पुत्र रघुनाथ निवासी 12, सत्यनारायण पुत्र छोटूलाल निवासी 12, वेद प्रकाश पुत्र ब्रजमोहन निवासी हनुमत खेर, सुरेश पुत्र राम गोपालन निवासी 12 और दलीप मेहता पुत्र भूपेंद्र मेहता निवासी 12 की मौत हो गई। ये घायल हादसे में 5 परीक्षार्थी गंभीर रूप से घायल भी बताई। इनकी पहचान नरेंद्र पुत्र रामकरण निवासी 12, अनिल पुत्र जानकीलाल निवासी 12, भगवान नागर हेमराज बेरवा और जोरावर सिंह पुत्र राम प्रताप निवासी सीकर के रूप में हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।